हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेस्ट यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि आप कैसे किसी भी इमेज को ऑनलाइन कंप्रेस कर सकते हो। ये कंप्रेसिंग मेथड ऐसा मेथड है जिसमें आप सभी तरह के कंप्रेस की करने वाली, यानी कि अलग अलग फॉर्मेट में अगर आप कंप्रेस करने वाले हो तो उसको आप इनिशियली कंप्रेस करने से पहले चेक भी कर सकते हो, यानी कि लाइव देख सकते हो और उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट भी कर सकते हो। इस वीडियो में मैं जो वेबसाइट आपको बताने वाला हूँ उसकी हेल्प से ना सिर्फ आप कंप्रेस कर पाएंगे बल्कि उसकी डायमेंशंस पिक्सल को भी एडजस्ट कर सकते हो, जिससे आप अपनी इमेज को प्रॉपरली तरीके से किसी भी तरह की पोस्ट बनाने में भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसी टेक से रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सिंपली अपने ब्राउज़र में चले जाना है। ब्राउज़र में जाने के बाद यहाँ पर आपको एक वेबसाइट है वो टाइप करनी है, squash.app। जैसे कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी ओपन किया हुआ है, तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सिंपली कॉपी एंड पेस्ट वाला मेथड है, या फिर आप ड्रॉप भी कर सकते हो। जो भी आपने इमेज ऑनलाइन एडिट करनी है, सिंपली मैं अभी के लिए, मैंने ऑलरेडी एक इमेज डाउनलोड की हुई है, मैं इसको ड्रैग करके सिंपली यहाँ पर ड्रॉप कर देता हूँ। तो अब जैसा कि आप देख सकते हैं, ये स्क्रीन अब प्रॉपर तरीके से वेबसाइट ओपन हो चुकी है, जिसमें आपको लाइव दिखाया जाएगा कि आप कैसे अपने पिक को एडिट कर सकते हो। ये जो साइड है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वाली साइड होने वाली है, वो हमारी ओरिजिनल इमेज की साइड होने वाली है। इसमें आपको वो सारे देखने को मिल जाएंगी सेटिंग, जो कि नॉर्मल कंप्रेस में हमको देखने को नहीं मिलती है। जैसे कि यहाँ पर फॉर्मेट वगैरह सारा कुछ आप सेट कर सकते हो, बट अभी के लिए मुझे उन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ये ऑलरेडी बता रहा है कि हमारा पिक्चर का साइज़ 137 KB है, जो कि काफ़ी कम है। तो अब बात कर लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में वो इमेज नज़र आ रही है, यानी कि इस साइड में वो इमेज नज़र आ रही है जो कि कंप्रेस होने के बाद बनेगी। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो एडिटिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, रीसाइज का ऑप्शन दिया हुआ है, रिडक्शन का भी साइज दिया हुआ है, और यहाँ से आप अपने फॉर्मेट को भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पर आप चाहो ओरिजिनल फॉर्मेट में भी रख सकते हो। अगर मैं ओरिजिनल फॉर्मेट में रखूँ तो देख सकते हैं अभी इसमें साइज में कोई फर्क नहीं पड़ा। अब बात कर लेते हैं, अगर हम यहाँ से PNG में चले जाते हैं, PNG में जाने से इसका साइज बढ़ जाता है, क्योंकि PNG फाइल ऐसी फाइल होती है जो कि हम बहुत सारी मल्टीपल जगहों पर इस्तेमाल करते हैं, और यह बहुत ही हाई क्वालिटी की इमेज होती है। अगर आपने इमेज की क्वालिटी या कोई फॉर्मेट ऐसा रखना है जो PNG में ही जहाँ पर यूज़ होता है, तो वो भी यहाँ से आप इजिली कर सकते हो। अगर आपको मिनिमम से मिनिमम साइज करना है तो ये वाला ऑप्शन पे आप जा सकते हो। यहाँ पर आपको देख सकते हो, यहाँ पर आप अपने इजिली क्वालिटी को एडजस्ट भी कर सकते हो और एफर्ट्स घटा बढ़ा सकते हो, जिससे आपके साइज़ में यहाँ पर चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। अभी ये लोड ले रहा है, तो इसके बाद ये चेंजेस आपको दिख जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं सीधा ही 80% तक हमारी जो इमेज है वो रिड्यूस हो रही है। 0% 137% थी, अब सीधा 26.9 KB हो गया है। ये फॉर्मेट उन लोगों के लिए स्पेशली है जो कि ऑनलाइन ब्लॉगिंग करते हैं। अगर उनको हाई क्वालिटी में भी इमेज चाहिए, और वो भी कम से कम साइज़ में, जिससे उनके पेज की लोडिंग की स्पीड अच्छी रहे, तो वो इस टूल को ज़रूर एक बार इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि इससे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प होने वाली है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर और भी बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे कि यहाँ पर रोटेट का है, यहाँ पर टॉगल स्मूदिंग, यानी कि आप स्मूथ भी कर सकते हो, बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हो, और भी यहाँ पर बहुत सारे एडिटिंग के ऑप्शन दिए हुए हैं। आपको अगर साइज़ चेक करना है इमेज का, तो वो यहाँ पर रीसाइज में आपको सिंपली नज़र आ जाएगा। यहाँ पर आप उसकी विड्थ और हाइट दोनों को एडजस्ट कर सकते हो अपने पोस्ट, जैसे कि आपने अगर कहीं ब्लॉग में पोस्ट बनानी है, या फिर फेसबुक पोस्ट बनानी है, इंस्टाग्राम पोस्ट बनानी है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सिंपली डायमेंशंस को कम और ज़्यादा कर सकते हो। जैसे कि अगर मैंने 960 यहाँ पर टाइप कर दिया और एंटर कर दिया,
ठीक है, इसके बाद क्या होगा, ये साइज़ कुछ और कम होने वाला है। जैसे कि आप देख सकते हो ये 26 KB है, तो इसकी जो चौड़ाई है मैंने अभी वो घटा दी है, तो ये अब साइज़ और कम कर गया है। तो इस तरीके से आप अपने किसी भी तरह की इमेज को ऑनलाइन ईजिली एडिट कर सकते हो, और यहाँ से सिंपली डाउनलोड का ऑप्शन दिया हुआ है और डाउनलोड कर सकते हो। मुझे पूरी उम्मीद है ये वेबसाइट आपको बहुत ही पसंद आई होगी। ये ऑनलाइन प्रॉपर एडिटिंग वेबसाइट है, जहाँ पर आप किसी भी इमेज को लाइव एडिट भी कर सकते हो। उसका उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, उसकी रेशो, हाइट, जो भी आप एडिट करना चाहो वो एक ही जगह पर आप इजीली एडिट कर पाओगे। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। और भी ऐसे मज़ेदार वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें।